क्या बात है पूजा, तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे सपने आ रहे हैं, लेकिन अब सपने और सच्चाई के बीच बहुत कम समय रह गया है। अरे मेंडी, ये क्या? क्या? अरे तू तो फुल तैयार हो गई। पूजी, फुल तैयार होके ही जाएंगे ना, ये हाफ तैयारी कैसे होती है? अरे पर अच्छा तू मेरी बात सुन, ये बता कीचड़ में हील्स वाले सैंडल पहनो कि रबर वाले ही चलेंगे? कीचड़? ओह, ओपन में अरेंजमेंट होगा ना, पर फिर भी मेंडी इतना सारा मेकअप। पूजी, मेकअप तो धुल ही जा रहा है ना, पर एंट्री तो जटा होनी चाहिए ना। धुल जाएगा? अरे तू क्या वापस आके नहाने वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं तो वो वहीं पे ना। हाँ, ये वहीं पे ड्रेसअप होना चाहती है तो होने दो ना। पर फिर भी रीमा, रोजी आंटी की बेटी की मंगनी तो है। मंगनी? किसकी मंगनी? मंगनी मेंडी, मंगनी रोजी आंटी की बेटी की मंगनी। अरे हाँ हाँ पूजी, हम मंगनी पे ही तो जा रहे हैं ना। वो क्या है ना, मैं भूल गई थी। वो क्या है ना, पंजाबी में मंगनी को एंगेजमेंट कहते हैं, बस उसी में कंफ्यूजन हो गया। बहुत भुलक्कड़ हो गई। तू जा जा जा, तैयार हो जा। अरे मैं तो तैयार ही हूँ। हाँ पूजी, तू क्या ऐसे ही जाएगी? क्यों, ये अच्छी नहीं है? अच्छी है? बहुत अच्छी है, लेकिन होली के लिए है, है ना? तू रुक, मैं बताती हूँ। क्या ये पागल है मैं? अच्छी तो है ड्रेस। तो ये पहनेगी पूजी? अरे ये तू चुप चुप सीधी खड़ी हो जा, समझ तू कोई मॉडल है और हम लोग फैशन डिजाइनर्स हैं। ओके। रीमा, ये सब पूजा रेन डांस पार्टी में तुम्हें बुलाने के लिए हम लोगों को तुमसे ये छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। हम लोग यानी मेंडी, तू भी? वो पूजी, वो मेरा बहुत मन था ना, वैसे तू मानती नहीं ना, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज पूजा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, छोटी सी तो पार्टी है। रीमा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और तुमने मेरे पापा से भी झूठ। अब तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। गुड पूजा, वेरी गुड, इसी वक्त लौट जाओ यहाँ से, चली जाओ प्लीज। पूजा, पूजा प्लीज रुक जाओ, तुम्हें पता रीम्स तुम्हारे लिए कितनी वर्ड थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम पार्टी में नहीं आओगी तो उसे लगेगा कि तुमने उसे माफ नहीं किया। रीम्स तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है पूजा, और वो चाहती है कि हमारे घर में जब भी कोई खुशी का मौका हो तुम जरूर आओ। ये घर और तुम लोगों की मम्मी ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊं, और इसीलिए मैं भी नहीं चाहती कि मैं आऊं, मुझे जाना ही होगा। पूजा, पूजा ये घर मेरा भी तो है, और जैसे तुम्हारे घर वालों ने मेरे वहां जाते ही मुझे अपना बना लिया था, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस घर को भी तुम अपना लो। नहीं रीमा, मैं नहीं भूल सकती कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है। और मेंडी, तू कैसे भूल गई? तूने ही तो कहा था कि तू भी यहाँ नहीं आएगी, फिर तूने भी तो मुझे मनाया था ना। आज मेरा मन है, रुक के चलते हैं ना। नहीं मेंडी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं अकेली। नहीं नहीं पूजी, अच्छा ठीक है, जहाँ नहीं पूजी पाजी वहाँ कैसे मेंडी पाजी, चल चलते हैं। पूजा, रुक जा पूजा, पूजा पूजा रुक जा। देखो, मैं जानती हूं तुम मेरी वजह से नहीं रुक रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूं, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। आज की रात अगर तुम नहीं रुकोगी तो मैं समझूंगी वाकई तुम मुझसे नाराज हो। और मैंडी,
मैंडी तुम भी, मैं तुम्हें भी सॉरी कहना चाहती हूँ उस दिन के लिए। देखो तुम दोनों आज रुक जाओ, पार्टी एंजॉय करो और रोहित और रीमा को अपना दोस्त बना लो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बार बार यहाँ आओ। अगर तुम गुस्से में चली जाओगी तो पार्टी की रौनक का क्या होगा? आज ठीक कह रही है पूजा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम सब दोस्त बनकर रहें। प्लीज रुक जाओ पूजा, प्लीज। पूजा, उस दिन तो मैंने तुम्हें मेरे घर से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ। तुम इसे अपना ही घर समझो और इस पार्टी को भी। ना कोई बोलने का तरीका है, ना कोई तमीज। जस्ट गेट आउट। आज तुम्हारी वजह से मेरे और रीमा के बीच झगड़ा हो गया। तुम रीमा के पैसे का फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने पैसे खर्चे करके तुम्हें सेंट मार्टिन्स में इसलिए भेजा कि रीमा जैसी नादान और भोली लड़की को फंसा कर उसके पैसों से जिंदगी भर ऐश करते रहो। आज रात अगर तुम रुक गई तो मैं समझूंगी इस घर में मेरी दूसरी बेटी भी है। मैंने तो तुम्हें इतना समझाया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। नो पूजा, नो, ये सब कुछ भी कहे प्लीज मानना मत। इस समय तो मैं भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि पूजा को अंदर जाने से रोक सकूं। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। कमॉन पूजा, सब तुमसे इतना कह रहे हैं, अब तो रुक जाओ, एक बार तुम अंदर आ जाओ, फिर आज रात को मैं तुम्हारी सारी लिमिट्स क्रॉस करवा दूंगा। एनी, थैंक यू सो मच। तुमने मॉम को कितना चेंज कर दिया है। आई डोंट बिलीव दिस। चेंज तो तुमने किया है मुझे रीमा, तुमने और पूजा की अच्छाई ने। रोजी आंटी मुझे बता रही थी कि पूजा ने तुम्हारी कितनी मदद की है। थैंक्स पूजा। किस लिए? आंटी की बात मानने के लिए और पार्टी में रुक जाने के लिए। तुम अंदर आ रही हो ना पूजा? कम ऑन पूजा, प्लीज से यस। नो पूजा, नो। क्या पूजा, डिसाइड नहीं कर पा रही हो? हाँ, मेरी किसी भी बात को तुम कैसे ट्रस्ट कर सकती हो? जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद कोई मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकता। शायद अब एक ही तरीका है, तुम्हें इस पार्टी में शामिल करने के लिए मुझे इस पार्टी से अलग होना होगा। एनी, पूजा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जो दोस्ती तुमने रीमा को दी है, क्या तुम वही दोस्ती मुझे दे सकती हो? मैं पुरानी सारी बातें भूल जाना चाहती हूँ पूजा, और मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक और मौका दो, दोस्ती का। दोगी ना पूजा? Bloody Bernie! Hey Bernies, welcome aboard. तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारी ये चोटी, not happening. तुम इस कॉलेज में रहने के लायक ही नहीं। Oh God! तुम Bernies के आइडियाज की कितनी down market है। पूजा ने उसमें शराब मिलाई है। ये एनी को हो क्या गया है? उस Bernie से सॉरी कह रही है? अपने आप को उसने इतना कैसे चुका दिया? मुझे तो देखकर ही शर्म आ रही है। शायद मैंने जो कुछ गलत किया है उसकी सही पनिशमेंट यही है कि मुझे तुम जैसे अच्छे लोगों की दोस्ती ना मिले। Hmm.
क्या कर रही थी? उसे दोस्ती करनी नहीं करनी, ये तुम्हें कब से फिकर होने लगी? मैं बदल गई हूँ गर्ल्स। इसका क्या मतलब बदल गई हो? ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है यानी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और अब मैं तुम जैसी लड़कियों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। व्हाट? हम जैसी? यस, सो जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। तुम बदल गई हो, उस वर्नी ने तुम्हें भी चेंज कर दिया, धीरे धीरे पूरे मार्टिन्स को भी स्पॉइल कर देगी। पता नहीं क्या जादू है उसमें, द लो क्लास बिच। आज तक तुम मुझे पूजा के अगेंस्ट भड़काती रही हो और अब जब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ रही हूँ तो तुम पूजा के सामने उसको गाली दे रही हो। हमने? मैं नहीं जानती कि पूजा मुझे दोस्त मानती है या नहीं, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगी। एनी, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हम सब दोस्त बन के रहें, पर तुमने ही समझने में टाइम लगा दिया। I'm sorry, पूजा। और एक बात जो मैंने रीमा से भी कही है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। लगता है पूजा जरूर रुक जाएगी, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। That's great news. अब तो सब तरफ दोस्त ही दोस्त हैं। और ऐसे में तुम पार्टी में रुकने से मना नहीं कर सकती पूजा, right? मना कर सकती हो पूजा? For God's sake, मना कर दो। पूजा, अब मान भी जाओ ना। नहीं मान सकती, नहीं कर सकती। मैं अपने सारे दोस्तों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। हाँ, मैं रुकूंगी। मुझे सिखाया गया है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, और फिर आंटी ने कितना जोर देकर मुझे कहा है, और फिर ये भी कहा है कि एनी ने उन्हें मनाया। थैंक यू एनी। हे आकाश, तुम वहां क्यों खड़े हो यार? कम जॉइन अस। पूजा, आज कितनी खुशी का दिन है। आज ही मेरी और आकाश की फ्रेंडशिप हुई है और तुम्हारी और रहने की भी। आज पार्टी के अलावा हम अपनी फ्रेंडशिप भी सेलिब्रेट करेंगे। और आकाश, अब से तुम्हारे सारे दोस्त मेरे भी दोस्त। बाय द वे, केएस तो जतिन दिखाई नहीं दे रहे? वो केएस जतिन को स्टेशन पिक करने गए, आते होंगे। ओए आकाश, बस ठीक है यार। केएस जतिन, यार तुम लोग कहाँ हो यार? ओए बाइक ते सी ते इत्थों उत्थों निकल के आ गए, गड्डी में होते तो अब तक ट्रैफिक जाम में फंसे होते। ट्रैफिक जाम? कैसा ट्रैफिक जाम? अरे कुछ नहीं यार, कोई स्टार आ रही थी उसी रोड से। ओए एमी कोई स्टार वार नहीं सी, बेबी डॉल। बोल बेबी डॉल। बेबी डॉल वही म्यूजिक वीडियो वाली ना, कभी आर कभी पार, बताओ ना। ओ ओ हाँ, देखा तो सही लेकिन दूर से। बड़ा दिल की था तुम्हारे वास्ते ऑटोग्राफ शॉटोग्राफ लेना। Are you listening there? It's the party time! So let's hit the groove! And hit the bar! Because party's on till the morning sun! Let's do it! Yo man, everybody enjoy! Yo! सीन क्या है? सीन बिल्कुल सेट है। पूजा पार्टी में आ गई है और रुकने के लिए भी तैयार हो गई है। अब पार्टी खत्म होते होते वो मेरी गाड़ी में होगी। इट्स अ स्मूथ सेल। अब मैं तुझे बताता हूँ कुछ ही घंटों में किसी भी लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाने के 3 सिंपल स्टेप्स। ग्रूवी, गिव इट टू मी। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर टू। और स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा करो जिससे वो गिल्टी फील करे, उसे लगे कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और फिर वो उसे सुधारना चाहे। यही है रोनित का जादू। और फिर शुरू होता है असली गेम, वो गेम जिसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी चाल चलता है, यानी कि मैं, और दूसरा खिलाड़ी यानी कि पूजा सिर्फ हंसती जाती है। और इस गेम के एंड में मैं अपना प्राइज लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। तुम उसे कहीं नहीं ले जाओगे रोनित, क्योंकि मैं पूजा को तुम्हारी गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। आर यू गाइस एंजॉयिंग द पार्टी? मैं जानता हूं कि आप सब यहां पानी में भीग कर अपनी अपनी गर्मी थोड़ी कम करने आए हैं, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का टेम्परेचर और बढ़े, और इसीलिए मैंने एक हॉट हॉट पेप को बुलाया है। एंड गाइस, वो परफॉर्मर हॉट ही नहीं, द हॉटेस्ट ऑफ ऑल बेबी डॉल है। बट गाइस, एक रिक्वेस्ट है, जब वो स्टेज पर आए तो आप लोग प्लीज उसे क्राउड ना कीजिएगा। डोंट वरी गाइस, उसकी परफॉर्मेंस के बाद मैं एक एक गेस्ट उसे मिलाऊंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। ये सबसे कैसे मिलाएगा? डोंट वरी यार, ये तो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी स्पेशल गेस्ट मिलाऊंगा। गाइस, आर यू रेडी टू रॉक? सो लेट्स हियर फ्रॉम बेबी डॉल, लेट्स बिगिन। जी, ये तो यही आ रही है। सेंट मार्टिन्स में पढ़ने के तो कितने फायदे हैं ना, कितने जाने माने लोगों से मिल रहे हैं। अगर रुंझुनवाला में होते ना तो वो ही म्युनिसिपैलिटी के अफसरों को मिलके ही खुश होना पड़ता। अरे हमारे घाटकोपर में भी तो आई थी, तू भूल गई? डांडिया नाइट में। हाँ, पर तब तो हम बहुत दूर थे ना, तब स्टार तो क्या, स्टेज को देखने के लिए भी उछलना पड़ता था। पर अब तो मैं पर्सनली मिलूंगी ना। ऐसे कैसे पर्सनली मिल लेगी मेरी? अरे वो रीमा और रोनित की दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे मिल लेंगे, वो तो अपने खास दोस्तों से मिलवाएंगे ना। अरे खास दोस्त मतलब, हम क्या है वही दोस्तों में से, हम क्या खास नहीं है? मैं रीमा से कहती हूँ। नहीं नहीं मेरी, हम यही खड़े रहेंगे, वो यहाँ से गुजरेगी ना तो हम उसे देख लेंगे। अगर वो यहाँ से नहीं गुजरी तो कहीं और से गुजरी तो हमारा बैड लक। पूजी, तू ही तो कहती है ना कि लक बनाने से बनता है। तू कुछ भी कह मेंडी, हम यही खड़े रहेंगे, और थोड़ी देर की तो बात है, फिर हमें घर चलना है। क्या पूजी, तू भी? अच्छा ठीक है, मैं हम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ, फिर हम बेबी डॉल पे बात करेंगे। हे गाइस, अपना अपना दिल थाम लीजिए। एंड गर्ल्स, अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को थाम लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब के सब भाग जाए, क्योंकि आ रही है स्टार ऑफ द इवनिंग, बेबी डॉल। रीमा, बेबी डॉल आ गई। रीमा, मैंने तो उसे आज तक डांडिया में ही देखा है, वो भी इतनी दूर से। चलना आज पास चल के देखते। चल। हाँ चल चल। ओए जतिन। हाँ? ये बेबी डॉल इधर ही आ रही थी तो हम भी इसके साथ आ जाते। ओए क्या मतलब है तेरा, उससे लिफ्ट मांग के? और नहीं तो क्या, हम उससे लिफ्ट मांगते, वो थोड़ा साइड शिफ्ट होती, हम उसके बगल में एडजस्ट हो जाते। अरे यार, वो बेचारी कितनों को लिफ्ट देगी? मतलब वो देख, जो हाल रोड पर था वही हाल यहाँ पर भी है। प्लीज 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 आने दो। Meet my friend Kushan. How you doing? Hi. Sumit. Hi. Sachit. Anita. Hi. Carve. Hi. Excuse me, guys. Please come. Baby doll, meet a special friend of mine. मुझे अपने special दोस्तों को दूसरे special दोस्तों से मिलाने में special मजा आता है। हेलो पूजा, आपको मेरा नाम कैसे पता? रोनित ने मुझे स्पेशली बताया। उसने मुझे ये कहा कि आज शाम की पार्टी के सबसे स्पेशल गेस्ट तुम हो। आई होप कि तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल नंबर परफॉर्म करने वाली हूँ। मेरे लिए? या सो सी यू देन, आई होप यू हैव फन, बाय बाय।
प्लीज कम। एनी प्लीज टेक केयर। पूजा थैंक्स रोनित। थैंक्स किस बात का, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सब दोस्त एक दूसरे के भी दोस्त बन जाएं। बाय द वे, अब तो तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो। थैंक्स। पूजा को इतनी इंपॉर्टेंस देकर मैंने पहला स्टेप तो पूरा कर लिया है, और इस पार्टी के एंड तक वो मेरी गाड़ी में होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.